बैनर टाइटल आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितना हैप्पी हूँ। मैं बहुत टाइम बाद कैमरा फेस कर रही हूँ, लाइक 15-20 दिन बाद मैं कोई अपनी वीडियो फिल्म कर रही हूँ। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और ये लुक है जो आज अपन क्रिएट करने वाले हैं। तो आर यू रेडी टू अचीव सच अ ग्लैमरस येट सिंपल लुक? सो मैं ये लुक करके शादी में जाने वाली हूँ। अब देखेंगे, मैं लिटरली जाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा लुक क्रिएट करके दिखा दूँ आपको अलग साइड जो आप कहीं कैरी भी ना कर पाएँ। मैं इसको कैरी करूँगी और आपको देखेंगे भी आगे वीडियो में। सो बहुत ही ईजी है ये लुक अचीव करना और होपफुली आपको ये लुक पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज माई फेस, विच इज़ लाइक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन विंटर्स। उसके बाद मैं अपने लिप्स पे वैसलीन लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड लगते हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरी लिपस्टिक्स अलग से ही घुस जाए मेरे होठों के अंदर। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी और मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी अपने हाई पॉइंट्स एरियाज पे, जहाँ से भी आपको लगता है कि आपका मेकअप में क्रीज आ सकती है वहाँ उसको अच्छे से लगा लें आप। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर, और आप देख सकते हैं इससे मेरा स्पॉट कितना ईजिली छुप गया है, तो इसको मेरे जहाँ पे भी स्पॉट्स हैं मैं वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसे मैं अपने अंडर आई एरियाज पे, नोज़ पे और जहाँ से भी मुझे अपना हाईलाइट करना है, फीचर्स और डार्क स्पॉट छुपाने हैं, वहाँ लगा लूँगी। और मैं इसे फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा वेट हो और उससे आप ब्लेंड करें ताकि वो आपका ज़्यादा कुछ भी मटेरियल एब्जॉर्ब ना करे। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग फाउंडेशन, सुपर स्टे मेबेलिन फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड, और मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, डू नॉट फॉरगेट योर नेक, और जेंटली इसे टैप टैप करके अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही स्मूथ फिनिश आती है और ये आपको फुल कवरेज देता है। दिस फाउंडेशन इज़ परफेक्ट फॉर एवरी डे और फॉर वेडिंग ऑल्सो। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और इसमें मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया और उससे मैं अपनी आईज़ को क्रीज दे रही हूँ, और इसी ब्रश में मैंने उसके बाद एक पिंक शेड लिया है और उसे अपने लोअर आईलिड पे लगाया है ताकि थोड़ा डेप्थ मिले, और फिर मैंने फ्लैट ब्रश पे ब्लू शेड लेके उसे अपने इनर आईलिड की क्रीज पे लगाया है। उसके बाद मैंने ग्रे शेड लेके अपने आईज़ के आउटर वी एरिया में उसे लगाया है थोड़ा और डेप्थ देने के लिए। और उसके बाद मैंने शिमर पैलेट यूज़ किया है और उसमें से ब्रॉन्ज कलर का शिमर लेके अपने आईलिड के मिड में लगाया है एक शाइनिंग इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट और उससे मैं अपना फेस अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है और उससे मैं अपना चीक कॉन्टोर करूँगी। उसके बाद मैं अपना जॉ लाइन कॉन्टोर करूँगी, अच्छे से कॉन्टोरिंग करनी है। उसके बाद अपना नेज कॉन्टोरिंग करूँगी यूजिंग अ फ्लैट ब्रश। इस तरीके से कॉन्टोरिंग करना बहुत ईजी होता है, दो पैरेलल लाइंस बना के आपको उनको सिंपली बस ब्लेंड करना है और बीच में हाईलाइटर लगा लेना है। नेक्स्ट अप मैं ब्लश लगा रही हूँ, थोड़ा मुझे ग्लैमरस लुक चाहिए था इसलिए मैं ब्लश इस बार थोड़ा कम ही लगा रही हूँ, अदरवाइज आई लव ब्लश, मैं बहुत ज़्यादा ब्लश लगा लेती हूँ। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल और इससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप दे लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी आईब्रोज मुझे पसंद नहीं होंगी, थोड़ा नेचुरल रखना ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग वो फ्लैट ब्रश जिससे मैंने अपने आईलिड पे ब्लू कलर लगाया था, तो उसी में अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा स्मोक आउट करने के लिए, स्मोक इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद मैं अपने आई लैशेज कर्ल कर लूँगी, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई माई मश्कारा। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मश्कारा इन द शेड ब्लैक। बहुत ही अच्छे से आपके आई लैशेज कर्ल करता है ये और सफिशियंट वॉल्यूम दे देता है, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस लगती हैं आपकी आंखें। उसके बाद नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग स्टेक वर्की का बैड एस आई काजल इन दी शेड ब्लैक और मैं उसको अपनी अपर और लोअर दोनों लैश लाइंस पे लगा लूँगी। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग इन कलर का हाईलाइटर और उससे मैं अपने एरियाज हाईलाइट कर लूँगी। आई लाइक टू हाईलाइट माई चीक्स, माई चिन, माई नोज, माई फोरहेड एंड माई ब्रो बोन्स विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। और उसके बाद मैं ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे और इससे मैं अपना पूरा मेकअप सेट कर लूँगी, एज यू ऑल कैन सी थोड़ा सेट होने दूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड गिव मी मौका लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छा न्यूड ब्राउनिश शेड है, मतलब एवरीडे वेयर के लिए परफेक्ट है। मुझे ग्लैमरस लुक चाहिए था, मैंने अपनी आईज थोड़ी बोल्ड रखी है, दैट्स वाई आई पिक अप दिस कलर। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, इससे सब कुछ पुट टुगेदर लगता है। सो या तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस और इसे थोड़ा और ज़्यादा ग्लैमरस बनाते हैं। सो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ग्लॉस
इससे थोड़ा और ज़्यादा ग्लैमरस लुक आएगा। तो दिस इज माय फाइनल लुक यू गाइस। दिस इज हाउ द थिंग सिटी लुक्स इन द इवनिंग। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट कैप्चर दिस ब्यूटीफुल सीन फॉर यू गाइस। सो एंजॉय। सो फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन। माय फ्रेंड्स एंड ऑल, हम सब जा रहे हैं वेडिंग में। सो वी वर रिटर्निंग बैक टू आर होम और ये मैंने ब्यूटीफुल सा व्यू आपके लिए फिल्म कर लिया। दिस इज आमिर की लाइफ एंड इट प्रिटी, इट लुक्स सो गुड। So yeah, that's it for today's video. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने enjoy भी किया होगा और जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मेरा ये लुक, let me know in the comment section below। और इसके साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मतलब 14 दिसंबर से मेरे CA के एग्जाम्स हैं। तो शायद आपको अब वीक में सिर्फ एक वीडियो देखने को मिले क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन के लिए भी तो टाइम चाहिए। या आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको देखने में मज़ा आएगा और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड डू नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू ऑल सो मच। बाय।